नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे मानसून के ऊपर एक बड़ी खबर। आईएमडी और स्काइमेट दोनों के साइंटिस्ट का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं इंट्राडे में, दिन के कारोबार में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहां पे आप 40,100 रुपए के स्तर पर बाई कर सकते हैं। 40,650 का टारगेट होगा, 39,800 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है मस्टर्ड, जहां पे 3565 पर बाइंग की राय है। 3600 का टारगेट होगा, 3540 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं मानसून की। जी हां, मानसून के ऊपर बेहद अच्छी खबर आई है। देश भर के कई इलाकों में शानदार बारिश हुई है, प्री मानसून बारिश हुई है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 30-31 मई को, यानी कल परसों में, मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। मानसून केरल पहुंचने की तमाम स्थितियां अनुकूल है और ऐसे में कल या परसों मानसून केरल पहुंचने की पूरी संभावना है। आमतौर पर 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार समय से 1-2 दिन पहले मानसून केरल पहुंच सकता है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आईएमडी के साइंटिस्ट ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है और किस तरह की उम्मीद मानसून को लेकर के आईएमडी के साइंटिस्ट ने जताई है। मानसून हम उम्मीद कर रहे हैं 30 या 21 को केरला में पहुंच जाएगा, केरला के तट पे। और अभी भी काफी जगहों पे अंडमान में बारिश अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट में प्री मानसून तो काफी जगहों पे पूरे भारत में अच्छी बारिश हो रही है। और एक बार अभी बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम बना हुआ है, वो उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा और उसी के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर आएगा हमारे क्लाउडिंग जोन केरला के ऊपर आएंगे और हम अच्छी तरह से मानसून उस पर ऑनसेट हो जाएगा 30 से 31 जी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून थोड़ा रैपिड ही पूरे देश में आगे बढ़ेगा। जी तो आपने सुना आईएमडी के साइंटिस्ट को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केरल मानसून पहुंचने की स्थिति काफ़ी अनुकूल है और ऐसे में 30-31 मई यानी कल परसों मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। देश के कई इलाकों में अच्छी प्री मानसून बारिश हो रही है और अब कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि इस साल मानसून को लेकर जो अब तक खबरें आई हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसका इम्पैक्ट एग्री मार्केट के ऊपर दिखा भी है, एग्री कमोडिटी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने गिरावट भी देखी है, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इस बार बारिश अच्छी होने वाली है। खुद मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार सामान्य बारिश की उम्मीद है और 100% तक बारिश की उम्मीद इस साल जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मानसून देश भर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचने की सामान्य तारीख क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहले आपको ये बता दें और 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 1-2 दिन पहले पहुंचने की संभावना है। और चलिए आपको बताते हैं एक बार फिर से कि देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख क्या है। आमतौर पर 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है, तमिलनाडु पहुंचता है, पश्चिम मध्य में पहुंचता है और उत्तर पर में मानसून 1 जून के आसपास यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन इस बार 1-2 दिन पहले यहाँ पर मानसून पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 5 जून के आसपास मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम के इलाकों में दस्तक देता है और 10 जून के आसपास मानसून महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में दस्तक देता है, वहां पर मानसून पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर बात करें 15 जून की, तो 15 जून के आसपास मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाकों में पहुँचता है और वहाँ पर बुआई शुरू होती है। 1 जुलाई जब मानसून जुलाई में एंटर करता है तो 1 जुलाई के आसपास मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहुंचता है। ये मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख है। अभी मौसम विभाग की तरफ से आधिकारिक ऐलान होना बाकी है कि इन हिस्सों में इस बार मानसून कब पहुंचेगा, लेकिन ये आमतौर पर मानसून इस तरह से पहुँचता है और 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेता है। तो ये आप डेडलाइन याद रखिए और अगर इस डेट के मुताबिक मानसून आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मानसून समय पर अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। इसका फायदा आपको खरीफ की बुआई में देखने को मिल सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्काइमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत जुड़े हैं फोन लाइन पर। मिस्टर पलावत, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मौसम विभाग काफी ऑप्टिमिस्टिक है मानसून को लेकर के और कहा यह जा रहा है कि कल परसों में मानसून केरल पहुंच सकता है, आपका अनुमान?
जी हाँ, क्योंकि अभी प्री मानसून रेन जो है इस पर काफी अच्छी हो गई है केरल में और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश हो रही है। तो अगर 2.5 मिलीमीटर लगातार दो दिन 14 में से 9 स्टेशन जो केरल और लक्षद्वीप के हैं उसमें होती है तो मानसून डिक्लेयर हो जाता है। और जो वेस्टर्नली विंड है वो भी स्ट्रेंथन हो रही है, तो उम्मीद है कि कल या परसों तक मानसून आ जाएगा। और अभी जो साइक्लोन बना हुआ है, साइक्लोन वोरा जो वेव बंगाल में है वो भी चिटगांव की तरफ बढ़ रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में और ओडिशा में हैवी टू वेरी हैवी रेन होगी। और जो केरल में जब जो बारिश है ये धीरे धीरे कर्नाटका और कोकण एंड गोवा इन इलाकों में भी अब बढ़ेगी। ओके पलावत जी, आपका ये अनुमान था कि 29 मई को मानसून केरल पहुंच सकता है, क्या आज कुछ संभावना आप देख रहे हैं केरल पहुंचने की मानसून? देखिए बारिश तो शुरू हो गई है ऑलरेडी, आज भी हो रही है, कल भी हुई है, दो तीन दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। तो ये प्री मानसून रेन और मानसून रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये सब्जेक्टिव मैटर होता है कि आप उसको मानसून रेन कहें या प्री मानसून कहें। तो बाकी जो भी क्राइटेरिया है ये मौसम विभाग जो गवर्नमेंट का है इन्हीं का है, ये प्रायोरिटी होती है कि ये जो डेट को डिक्लेयर करते हैं वही माना जाता है। तो उम्मीद है कि वो कल या परसों तक इसको डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि बारिश ऑलरेडी अच्छी हो रही है। और ये बात तो ठीक है, कल परसों मानसून पहुंचने की संभावना आप भी जता रहे हैं, IMD ने भी जताई है, लेकिन क्या उसके बाद मानसून की रफ्तार कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद मानसून उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इस बात की कुछ संभावना आप देख पा रहे हैं? देखिए अभी जैसे आपने अभी बताया जो नॉर्मल डेट्स बताई थी तो उसमें 5 जून तक आपने बताया कि ये कर्नाटका के काफी हिस्से में, आंध्र प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में काफी जगहों पे पहुंच जाता है। तो वो उम्मीद है कि वो अपनी डेट को मेंटेन रखेगा और 10 जून तक जो भी मानसून की नॉर्मल डेट है तो उम्मीद यही लग रही है कि 10 जून तक का मानसून उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और उसके आगे देखते हैं कि किस क्या रफ्तार पकड़ता है। लेकिन है। बारिश जो साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में जून के पहले पखवाड़े में काफी अच्छी होने की उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पलावत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप कह रहे हैं कि इस बार मानसून आगे भी बेहतर रहने की उम्मीद है और बेहतर मानसून की उम्मीद में एग्री मार्केट में गिरावट आ गई है। आज सोयाबीन वायदा करीब 1% नीचे है, कैस्टर में गिरावट है, ग्वार दबाव में है। हमारे साथ हरीश जी हैं इंडी ट्रेड डेरिवेटिव के और साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित हैं शेयर खान के, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हरीश, जो गिरावट आई है सोयाबीन वायदा में, क्या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या फिर आपको लगता है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिर चुका है तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी एंटिसिपेट किया जा सकता है। एंड इफ यू लुक एट सोयाबीन स्पेसिफिकली, जो सीजन भी ख़त्म होने को है तो जैसे जैसे प्रोड्यूस का अवेलेबिलिटी कम होते जाएगा तो मार्केट इफ नॉट अ मेजर अप ट्रेंड फ्रॉम हियर बट एटलीस्ट एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। बट विद इन दिस आई थिंक यू नो 2700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल ज़रूर लग रहा है, वहाँ से एक हल्का सा रिकवरी वी आर एंटिसिपेटिंग टूवर्ड्स 2780-85 लेवल्स। ओके, ग्वार के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? ग्वार चूंकि काफ़ी मानसून सेंसिटिव कमोडिटी है और मानसून की जो भी खबर आती है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ग्वार के ऊपर दिखता है, अब यहाँ से ग्वार का मार्केट आगे किस ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है? I think Gwar again it is you know falling in response to you know positive momentum of monsoon. मेरे ख्याल से साथ में डिमांड भी कम रहने की वजह से मार्केट में एक दबाव सा सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है एंड साथ में क्रूड ऑयल प्राइसेस आर आल्सो नॉट डूइंग प्रीटी वेल, तो डिमांड को लेके डेफिनेटली कंसर्न्स बने हुए हैं एंड नाउ दैट यू नो गुड मानसून इज आल्सो वेइंग ऑन प्राइसेस। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के अंदर ग्वार सीड में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, सो सेलिंग ऑन डायलिस इज व्हाट वी आर एडवाइजिंग। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैस्टर सीड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा, क्योंकि कैस्टर भी आज दबाव में है, क्या ये दबाव आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर आपको लगता है कि कैस्टर में अभी एक रिकवरी की उम्मीद है क्योंकि मार्जिन भी 10% हटाया गया है? आई
आई थिंक एक लोअर लेवल्स पे रिकवरी आ सकता है, बट एज फार एज नेक्स्ट 1-2 सेशंस आर कंसर्न, आई थिंक यू नो जो मानसून रिलेटेड खबर आए तो उसके कारण मार्केट में एक इमीडिएट जो रिस्पॉन्स डाउन साइड का रहेगा, और मे बी 4,200-4,600 ये एक बैंड बन चुका है एज फार एज कैश एसेट फ्यूचर्स आर कंसर्न. तो इनिशियली आई फील एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 सेशंस इट शुड फॉल बिफोर एनी रिकवरी. ओके, मस्टर्ड पर क्या कॉल है आपकी हरीश? सरसों में आज किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? वेल मस्टर्ड आई थिंक 3,550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जरूर दिख रहा है, तो वॉल तक अगर मिले तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में बाय करना चाहिए. दो अभी मस्टर्ड का अराइवल्स ठीक ठाक है आ रहा है, दो प्रेशर तो जरूर मार्केट में देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक 3,550-560 इज अ गुड लेवल टू एंटर विथ लॉन्ग पोजिशंस एज फार एज डे ट्रेड इज कंसर्न. ओके ठीक है. जीरा और कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर आपका व्यू क्या है? क्या ये दोनों काउंटर एग्री में अभी आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से? इफ लुक एट कॉटन सीड ऑयल केक, वी हैव सीन अ क्वाइट यू नो कंसिस्टेंट डिक्लाइन ऑफ लेट. अब आई थिंक लोअर लेवल पे जो फीड मैन्युफैक्चरर्स का जो डिमांड है वो लोअर लेवल पे धीरे धीरे करके आ रहा है, तो इसके कारण मार्केट में एक हल्का सा बाइंग जरूर होने का चांसेस लग रहा है. मार्केट फिर से एक बार 1900-1920 लेवल्स तक जाने का चांसेस लग रहा है. अगर वही जीरे की बात की तो वी हैव सीन अ वेरी यू नो शार्प वोलेटिलिटी ऑफ लेट, तो यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी आने का चांसेस लग रहा है. Maybe 17,800-850 is a good level as per charts, and market once again should trade beyond 18,200-250-300 levels in short term.